नमस्कार, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक में यहाँ पर पूरी विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। आपका कोई भी पॉइंट यहाँ से छूटेगा नहीं। जितना भी पूरा हमारे तरफ से सहयोग रहेगा, आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। तो इसलिए अभी जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन आपको हर चीज़ यहाँ पर बताया जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अर्धचालक को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर एक परिभाषा ये निकल करके आती है कि अर्धचालक किसे कहते हैं? तो जिनकी चालकता चालक व कुचालक के बीच में होती है, उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं, अर्थात उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इसमें लिख लीजिए कि जिनकी चालकता कैसी होती है? जिनकी चालकता चालक व कुचालक के बीच होती है, चालक व कुचालक के बीच होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये चीज़ आपको याद होना जरूरी है। अर्धचालक को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर। ये चीज़ आपको याद भी रहना चाहिए कहीं, क्योंकि कहीं कहीं पर आपका सेमीकंडक्टर भी लिखा रहता है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, इस प्रकार से सेमीकंडक्टर आपको दे देता है। और जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं, जो भी अर्धचालक होते हैं, ये जीरो केल्विन पर कुचालक हो जाते हैं। जीरो केल्विन पर कुचालक हो जाते हैं। अगर यहीं पर हम बात करते हैं कि ये जो होते हैं 300 केल्विन पर चालक हो जाते हैं। ये भी आपको याद रहना जरूरी है। जो भी अर्धचालक होते हैं, उनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें भी लिख लीजिए कि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे लिख लीजिए, सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर आपका हो गया 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा इनमें कुछ अशुद्धियां मिलाकर भी एन टाइप व पी टाइप बनाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए इसी के आगे, तथा इन्हें कुछ अशुद्धियां मिलाकर हम क्या बनाते हैं? एन टाइप व पी टाइप बनाते हैं। अगला टॉपिक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। यहाँ से इतना आपका विशेष पॉइंट बन रहा है, इन्हें आवर्त सारणी में ग्रुप 4 में रखा जाता है। तो यहाँ पर भी आपका ये विशेष पॉइंट था, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसके आगे हम बताते हैं आपको कि जैसे अशुद्धि अर्धचालक के बारे में अगर हम ये बताते हैं कि अर्धचालक में कौन कौन आते हैं, तो अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कैसे होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों अर्धचालक होते हैं। तो अर्धचालक के कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम।
ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम अगर बात करते हैं सिलिकॉन के बारे में, अगर हम सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं तो जो सिलिकॉन होती है इनकी जो परमाणु क्रमांक होती है, परमाणु क्रमांक कितनी होती है, तो इनकी परमाणु क्रमांक 14 होती है। और इनकी गतिशीलता भी अधिक होती है। तो इसमें लिख लीजिए गतिशीलता अधिक होती है, गतिशीलता अधिक होती है। लीकेज करंट कम होता है, इसको भी लिख लीजिए यहीं पर, लीकेज करंट कम होता है। तो यहाँ पर ये आपके विशेष पॉइंट थे, ये इतना आपको याद होना चाहिए। अगर हम यहीं बात करते हैं जर्मेनियम के बारे में, तो जर्मेनियम में क्या होगा, ये आपका सिलिकॉन तो हो चुका है, जर्मेनियम में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितनी होती है, जर्मेनियम की परमाणु क्रमांक 32 होता है। इन्हें इनमें जो गतिशीलता होती है वो कम होती है, अर्थात लिख लीजिए गतिशीलता कैसी होती है, तो कम होती है, गतिशीलता कम होती है। लीकेज करंट इसमें अधिक होता है, तो लीकेज करंट अधिक होता है, लीकेज करंट अधिक होता है। तो ये आपके कुछ विशेष पॉइंट थे, ये इतना आपको याद रखना है। अब हम कुछ और अलग से बात करते हैं, कुछ पॉइंट हम आपको लिखवा देते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं पॉइंट, कुछ आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी हम यहीं पर करवा देते हैं। जैसे एक है मैग्नीन, मैग्नीन आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो मैग्नीन, मैग्नीन जो होता है, ये पूछा जा सकता है कि इनकी जो रजिस्टिविटी कैसी होती है, इनकी रजिस्टिविटी कैसी होती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए इनकी रजिस्टिविटी, इनकी रजिस्टिविटी कैसी होती है, तो उच्च होती है, इनकी रजिस्टिविटी उच्च होती है। और ये जो मैग्नीन होते हैं, ये मैग्नीन जो होते हैं वो कॉपर प्लस मैग्नीन, मैग्नीज लिख लीजिए, मैग्नीन नहीं, मैग्नीज प्लस निकिल से मिलकर बना होता है। और इनमें जो कार्बन की प्रतिशत होती है, कार्बन 84% तक पाया जाता है, जो मैग्नीज होता है वो 12% पाई जाती है, और निकिल कितनी परसेंट पाई जाती है, तो 4% पाया जाता है। और ये जो मैग्नीन होता है यह महंगा होता है, यह महंगा होता है। ये आपके विशेष पॉइंट थे, इतना आपको याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला हम हेडिंग डालते हैं जर्मन सिल्वर, अगला हेडिंग डालते हैं जर्मन सिल्वर। तो जो जर्मन सिल्वर होते हैं वो कौन, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो जो जर्मन सिल्वर होता है वो कॉपर प्लस निकिल प्लस जिंक से मिलकर के बना होता है। इसमें जो कॉपर होता है, कॉपर यहाँ पर 60% पाई जाती है, निकिल 30% पाया जाता है, और जो जिंक होता है, जिंक 10% पाई जाती है। यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कार्बन की, अब हम क्या बात करते हैं, कार्बन, कार्बन से भी कुछ क्वेश्चन निकलते के आते हैं कि इनकी जो रजिस्टिविटी होती है कैसी होती है। तो इनकी रजिस्टिविटी कैसी होती है, तो उच्च होती है, इनकी रजिस्टिविटी उच्च होती है। यह काला रंग का होता है, कार्बन कैसा होता है, तो कार्बन काला रंग का होता है, कार्बन कैसा होता है, काला रंग का होता है। इसका हम यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम इलेक्ट्रोड व ब्रश के रूप में करते हैं, तो इलेक्ट्रोड व ब्रश के रूप में इसका यूज करते हैं।
इतना ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और पूछा जाता है परीक्षा में अधिकतर, कि जैसे कोई भी चालक लिखा गया है उसका गलनांक बिंदु कितना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम यहीं पर इसको भी करवा देते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन चालक अचालक और अर्धचालक से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। तो हम ये एक साइड में हेडिंग डालते हैं चालक और इनका गलनांक बिंदु बता रहे हैं, तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, यहाँ पर ये हम हेडिंग यहाँ पर डालते हैं। अब हम जैसे चालक में आ जाते हैं, तो चालक में आप सुने होंगे सिल्वर, सिल्वर नाम सुने होंगे, सिल्वर सिल्वर की जो गलनांक बिंदु होती है वो कितनी होती है, तो 960 डिग्री सेल्सियस। एक होता है गोल्ड, गोल्ड की जो गलनांक बिंदु होती है कितनी होती है, 1060 डिग्री सेल्सियस, 1060 डिग्री सेल्सियस। एक होता है कापर, कापर के जो गलनांक बिंदु होती है कितनी होती है, कापर का जो गलनांक बिंदु होती है वो 1080 डिग्री सेल्सियस होता है। एक होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो 650 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है कार्बन, कार्बन का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो कार्बन का गलनांक बिंदु 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी आपका छूटना नहीं चाहिए। एक होता है निकिल, निकिल का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो 1170 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है लेड, लेड लेड का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो 328 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है टीन, टीन का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो 250 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है मरकरी, तो मरकरी का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो मरकरी का गलनांक बिंदु 350 डिग्री सेल्सियस होता है। एक होता है वाटर, वाटर का गलनांक बिंदु कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपके कुछ विशेष इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आज आपका चालक अचालक और अर्धचालक से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनते थे उसको कवर करवा दिया गया है। जो अगला हम टॉपिक लेंगे मूल इकाई के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगले एपिसोड में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।